राज्य शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दुर्ग जिले में 11 अगस्त से 21 अगस्त तक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दवा का सेवन कराया जाना है। छत्तीसगढ़ में 5 जिला का चयन किया गया है, जिसमें दुर्ग जिला भी शामिल है। फाइलेरिया मतलब जिसे हाथी का पांव की बीमारी कहा जाता है। फाइलेरिया संक्रमित व्यक्ति को मच्छर काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को यदि मच्छर काट लेता है तो इस बीमारी का प्रसरण बढ़ता है। दुर्ग जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 8,000 लोगों की टीम बनाई गई है। 80 सुपरवाइजर और 80 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा। देश के हमारे प्रदेशवासी स्वस्थ रहे, इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बहुत से कार्यक्रम संचालित किए हैं। न केवल संचालित किए हैं, बल्कि उन कार्यों का क्रियान्वयन भी हुआ है। आज उसी कड़ी में हमारा यह प्रदेश फाइलेरिया मुक्त हो, पूरे प्रदेश में एक एक अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी को फाइलेरिया से संबंधित कोई बीमारी घेर न सके। और उसी कड़ी में आज हमने दुर्ग जिला चिकित्सालय में CMHO ऑफिस के सामने श्री डॉक्टर JC मेश्राम और डॉक्टर राजेंद्र खंडेलवाल और हमारे अन्य वरिष्ठ चिकित्सक है मंजारे जी, उनकी उपस्थिति, जो मलेरिया विभाग के अध्यक्ष हैं, इनकी उपस्थिति में, धीरज बाकलीवाल जी हमारे महापौर जी, उनकी उपस्थिति में जीवनदीप समिति के सदस्य, हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। और कल से राज्य सरकार की जो योजना है, परसों से 10 तारीख से लेके 21 तारीख तक ये अभियान चलेगा। इसमें 8,000 दवाइयों का सेवन किया जाएगा, लगभग 4,000 दल इसमें समाहित हैं और 800 सुपरवाइजर इसमें कार्य करेंगे। 80 से अधिक सेक्टर बनाए गए हैं और 10 जिला टीम भी इसका बराबर सुपरविजन करेगी, ताकि हर कोई इसका सेवन कर सके, जो 2 साल से नीचे के वो नहीं, गर्भवती माताएं नहीं, और जिन्हें संक्रामक बीमारी है वो इसका सेवन ना करें। बाकी सबके लिए ये दवाई उपलब्ध रहेगी। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि इस बीमारी से बचें, और जहाँ भी कोई लक्षण आपको दिखलाई देते हैं तो उस लक्षण को तुरंत आप अपने चिकित्सक को दिखाएं और फाइलेरिया दवाई का सेवन करें। बचाव के लिए एक ही उपाय है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो फाइलेरिया में हम लगातार अगर हर साल दवाई खाते हैं फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत, तो वो जो बैक्टीरिया रहता है वो सुसप्तावस्था में रहता है और ज़्यादा संक्रमण दर को कम करता है। और जिसको अगर हो गया फाइलेरिया तो उसके लिए MMDP के तहत उनका हम उपचार करते हैं, लेकिन जो जिस स्थिति में है उस स्थिति से करके दूसरे को संक्रमण नहीं फैलाता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।